सतनाम वाहिगुरु। सरहंद दे सूबेदार वजीर खान नूं इस गल दा बड़ा अफसोस सी कि भारी जंग दे बावजूद वह गुरु साहब नूं नहीं सी पकड़ सकिया। गुरु जी दी बहादुर शाह नाल नेड़ता तों वह होर भी बहुत दुखी सी। वह जानदा सी कि गुरु जी बहादुर शाह दे उत्ते उसके खिलाफ कदम चुकन लई जोर पा रहे हन। वजीर खान ने दो पठाना नूं गुरु जी नूं कतल करन दी साजिश अधीन नंदेड़ वल नूं भेजिया। वह आम सिखां वांग गुरु जी दे रोजाना दे दीवाना विच हाजरी भरन लगे ते सेवा विच भी हथ वटांदे। सिख उन्हां नूं अपना दोस्त समझन लगे। एक रात मौका देख के वह गुरु जी दे तंबू विच जा वड़े जिथे गुरु जी सो रहे सन अते तलवार नाल घातक वार कर दिता। एक पठान नूं तां गुरु जी ने जख्मी हालत विच भी पार बुला दिता अते दूसरा भजदा होया सिखां दे हत्थों मारिया गया। उस उपरंत गुरु साहब दे जख्मां दा बहुत इलाज कीता गया पर जख्म गहरे होण कारण ठीक ना हो पाए। हुण तक गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जालमां नूं सोधन वास्ते पंजाब वल नूं भेज दिता सी। गुरु जी ने अपना अंत समा नेड़े जान के सारे सिखां नूं इकट्ठा कीता अते हुकम कीता कि सिखां ने अज तो बाद किसी देहधारी नूं गुरु नहीं मनना अते गुरियाई जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सौंप दित्ती। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु गोबिंद सिंह जी 42 साल की उम्र विच 7 अक्तूबर 1708 ईस्वी नूं ज्योति जोत समा गए। इस साखी विच असीं समझिया कि गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरु मनन लई सिखां नूं हुक्म है पर अज उसे नंदेड़ स्थान ते गुरु ग्रंथ साहिब दे बराबर दसम ग्रंथ नाम दे पुस्तक दा भी प्रकाश कीता जांदा है। यह गुरु गोबिंद सिंह जी दे हुक्मां दे खिलाफ ते है ही नाले सिखां नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सच्ची बाणी तो तोड़न दी साजिश भी है। नंदेड़ ते पटना साहिब दे गुरद्वारा प्रबंध पूरी तरह नाल ब्राह्मणी ताकतां दे अधीन आ चुके हन। ननकाना साहिब ते पाकिस्तान दे होर गुरद्वारे तां अज पूरी तरह नाल सिखां दे कंट्रोल विच आ गए हन अते सिखां दी अरदास सुनी गई है। हुण ते सिखां नूं अरदास करनी चाहीदी है। पंजाब अते हिंदुस्तान दे होर गुरद्वारे जो पंथ दोखी राजनीतिक नेतावां अते ब्राह्मणी ताकतां दे अधीन हन उन्हां दी सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो ताकि गुरु ग्रंथ साहिब जी दी गुरियाई नूं कोई चुनौती ना दे सके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।